नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी भी कोई खोई हुई चीज़ गुम गई है, आपसे दूर हो गई है, चोरी हो गई है, कहीं पर आपने रख दी है और आप ही भूल गए हैं, उसे आप वापस पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिसके जरिए आप अपनी खोई हुई चीज़ को वापस पा सकते हैं। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो बनाए हैं इसी टॉपिक पर, जिससे कई लोगों की मदद हुई है। एक वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए मददगार साबित हुआ है, वो आई बटन पर है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। कई लोगों को उससे बहुत मदद मिली है, उस वीडियो में बताई हुई टिप्स से कईयों को घूमी हुई चीज़ मिली है। साथ ही अगर आप अंकशास्त्र को मानते हैं, तो अंकशास्त्र में के जरिए हमें हमारी घूमी हुई चीज़ मिलेगी, नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस दिशा में मिलेगी, अगर ये भी आप पता करना चाहते हैं तो आई बटन पर अंक शास्त्र वाला वीडियो दिया है, जिसके जरिए आप अपनी खोई हुई चीज़ पा सकते हैं। अगर आप टोटकों पर विश्वास रखते हैं कि छोटे मोटे टोटके करके हम हमारी खोई हुई चीज़ पा सकते हैं, तो वो भी वीडियो आप आई बटन पर देख सकते हैं। मतलब मैंने अपने चैनल पर हर तरीके से खोई हुई चीज़ को पाने के वीडियो बनाए हैं, और आज का भी जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये भी सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में जो विधि बताई गई है, जिस विधि के जरिए आपको आपकी घूमी हुई चीज़ मिलेगी, उस विधि का अगर आप पालन करेंगे तो मैं बेशक कहती हूँ आपको आपकी खोई हुई चीज़ जरूर मिलेगी। तो चलिए पहले आपके साथ में विधि शेयर करते हैं, किस तरह से आपको खोई हुई चीज़ मिलेगी ये शेयर करते हैं। घूमी हुई चीज़ को पाने के लिए आपको जो मैं विधि बता रही हूँ, इसको आपको करना है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सवेरे 4 बजे से 5:30 बजे का समय, इस समय आपको इस विधि को करना है। अब किस तरह से करना है, आपको जल्दी उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद में कोई भी सफ़ेद वस्त्र धारण करना है, कुछ भी आप सफ़ेद कलर के कपड़े पहन सकते हैं। उसके बाद में आपको सफ़ेद वस्त्र धारण करने के बाद में आपको जलाना है एक दीपक, और एक ग्लास में लेना है पानी, ठीक है। अब इसे आप अपने किसी भी पूजा गृह में, जहाँ पर भी आप अपने घर में पूजा करते हैं, वहाँ पर इस दीपक को लगा देना है, मतलब दीपक जला देना है, और ये जो पानी का ग्लास है वहीं पर रख देना है। अब आपको एक मंत्र का जाप करना है, और मंत्र का जाप करना है 108 बार। अगर आपके पास में माला है, जाप वाली माला है, तो आपको पूरी माला करनी है, और अगर आपके पास में माला नहीं है तो आपको गिनती को ध्यान रखते हुए पूरे 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। अब देख लेते हैं हम मंत्र क्या है। ओम ह्रीं कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान यस्य स्मरेण मात्रेण हतम नष्टम च लभ्यते। यह है मंत्र। इस मंत्र को जाप करते रहिए 108 बार। आप मन में चाहें तो बोल लें, या फिर आप चाहें तो इसे बोलते जाएं। अपने अगर आपको ये मंत्र याद नहीं होता है तो एक कागज़ पर इसे लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको कागज़ पर लिख लीजिए, या फिर अपने मोबाइल को अपने हाथ में रखिए, साथ में एक हाथ में आपको माला रखनी है, 108 बार इसको जपते जाना है, ठीक है। 108 बार जब आप जप लेंगे, उसके बाद में आपको हाथ जोड़ना है, अपने जो इष्ट हैं, आपके जिस भी आप भगवान को मानते हैं, दिल से मानते हैं, उनसे दिल से प्रार्थना करनी है और कहना है मैंने इतने सारे जाप करे, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मुझे मेरी खोई हुई चीज वापस मिल जाए। ये प्रार्थना करने के बाद में आपको नमन करना है, सिर टेकना है, मतलब धोक देते हैं जिस तरह से, उस तरह से धोक देना है, और फिर जो हमने वो ग्लास में पानी भरा है उस पानी को पी लेना है, ठीक है। तो ये जो पानी हमने पिया है, क्या हुआ है कि ये जो मंत्र हमने 108 जाप किए, इसकी शक्ति उस पानी में समाहित है। इसे जब हम पिएंगे तो इसका असर दुगना दिखेगा। इस मंत्र के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, पर ये जो विधि है ये बहुत ही ज़्यादा कारगर विधि है, ठीक है। अब उस पानी को पीने के बाद में अब आपको अपनी तलाश जारी करना है। आप जो भी चीज़ आपकी ढूंढना चाहते हैं उसे फिर से ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपने लास्ट टाइम उसे कहाँ देखा था, आपको क्या लगता है आपने उसे कहाँ रखा होगा, इसका विचार कीजिए और फिर ढूंढना शुरू कीजिए। और जब आप इसे ढूंढते रहें तो हो सके तो इस मंत्र को मन में बोलते जाएं, ओम केम कार्तिके नमः, ओम केम कार्तिके नमः। इस मंत्र को आप मन ही मन बोलते जाएं। अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं
तो आप बात मानिए, आपको सच में आपकी घूमी हुई चीज मिलेगी। मेरे पास में कुछ कमेंट्स आए हैं व्यूअर्स के, कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कि उनको उनकी घूमी हुई चीज अगर कहीं किसी को मिली है, किसी को नहीं मिली है, कुछ ढूंढना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के सामने उनके प्रश्नों का जवाब भी देना चाहती हूँ इस वीडियो के जरिए। सबसे पहले मेरे पास में एक प्रश्न आया है, इनकी कोई चीज़ 6 महीने पहले ये कहीं शादी में गए थे, वहाँ पर घूम गई थी। अब ये इनका सवाल है कि ये मिलेगी या नहीं मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो देखिए, शादी जैसी जगह, वहाँ पर अगर कोई चीज़ घूमी है, शादी में हम भी जानते हैं कितने लोग रहते हैं, कई जाने होते हैं, कोई अनजाने होते हैं। अगर वो चीज़ किसी पहचान वाले के पास है या फिर हमारे किसी रिश्तेदार के पास है, तो वो हमें ज़रूर लौटा देगा। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो उसकी नियति हो सकता है बदल जाए, पर अगर वो चीज़ किसी गलत हाथों में है या फिर किसी अनजान के पास में है जो कि आपको खुद नहीं जानता, तो वो कैसे इसे लौटाएगा। तो इसलिए आप प्रयास करें, अपने जितने भी आपको लगता है कि उस शादी में जो जो रिश्तेदार आए थे उनसे ज़रूर पूछ लें, उनसे एक बार अपने मन की स्थिति बताएं, तो हो सकता है आपको आपकी चीज़ मिल जाएगी। एक और कमेंट जो आया था, इनके पर्स बस में कहीं घूम गए थे, मतलब ये कहीं बस में शायद जा रहे होंगे तो बस में इनके पर्स घूम गए थे। ये बता रहे हैं कि उसमें काफ़ी कैश था, उनकी बहुत सारे कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह भी थे, तो ये वापस मिलेंगे या नहीं। तो देखिए, जैसे कि पिछला कमेंट में बताया मैंने कि शादी थी, वैसे ही बस एक अनजान जगह है, और अनजान जगह पर अनजान लोगों में अगर किसी अच्छे हाथ में अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहता है, तो वो तो आपको लौटा देगा क्रेडिट कार्ड वगैरह के जरिए। अगर वो आपको ढूंढेगा तो आप उसे मिल जाएंगे। तो इस मंत्र का जाप करें आप जरूर, इस विधि को फॉलो करें, तो अगर उसमें जिस व्यक्ति के पास में वो लगी है चीज़ें, जिसके पास में वो होगी, उसका मन परिवर्तित जरूर होगा, तो वो आपको ये चीज़ें लौटा देगा। पर अगर ये किसी के हाथ में नहीं लगी है, किसी गलत के इंसान के हाथ में लगी है, उसका फिर हम कुछ नहीं कर सकते। एक कमेंट आया था हमारे पास में, किसी के घर के कागज घूम गए हैं, मतलब घर की जो रजिस्ट्री वगैरह होती है वो घूम गई है, वो मिलेगी या नहीं। तो आप इस विधि को फॉलो करें, आपके घूमे हुए घर के कागजात वगैरह जरूर आपको मिल जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। किसी का एक का कमेंट आया था, ये इन आंटी के बहुत सारा 2 चेन, 2 अंगूठियाँ, 2 कान के वगैरह सब कुछ इन्होंने किसी बैग में रख के अपने घर में कहीं रख दिया है और वो भूल गए हैं, उन्हें ये नहीं मिल रहा। उन्होंने मेरी पिछली वीडियो में बताई हुई विधि को फॉलो किया, उससे उनको आधी चीज़ें मिल गई पर आधी अभी भी नहीं मिली है। तो आंटी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस विधि को जरूर करें, आपकी घूमी हुई सारी चीज़ें आपको तुरंत ही मिल जाएगी। इस तरह से मैंने आप लोगों के सवालों के जवाब दिए। आपको अगर और भी कोई सवाल हो तो आप ज़रूर करें, बेझिझक करें, मैं उनका भी आपको मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपकी इससे हेल्प होती है तो ज़रूर एक काम कीजिएगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर ज़रूरतमंद इसका फ़ायदा ले सके। नेक्स्ट वीडियो तक, बाय बाय।